हत्याकांड की सीबीआई जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। और इस हत्याकांड की पब्लिक पापोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पब्लिक पापोती बंद करो, बंद करो। हम उस खुलासे से बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। हम सीबीआई जांच चाहते हैं। हमें नहीं लगता एक लड़का चार लोग की इतनी बुरी तरह से मौत कर देगा और निर्दोष को फंसाया जा रहा है। ये मुकदमे का दूसरा मोड़ लिया जा रहा है। पासी को फंसा के और अपराधी को बाइज्जत बरी करा जा रहा है। हम इस पर इससे संतुष्ट बिल्कुल नहीं। हमें सीबीआई जांच चाहिए, हम लोग को सीबीआई जांच चाहिए। अब तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है, या चाहे पिछली घटनाएं आपके साथ हुई हो या जो घटनाएं हुई हैं, उसमें जो जांच किया है, जांच पर कोई भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं अभी तक प्रशासन में। भरोसा कर प्रशासन भरोसा बिल्कुल उठा दिया है। अब हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है सर। अगला कदम क्या होगा? न्याय नहीं, हमें सीबीआई जांच चाहिए और संतुष्ट रूप से। पूरा देश में आंदोलन कराएंगे अगर हमें नहीं इंसाफ मिलेगा तो। हमें सिर्फ न्याय चाहिए। मांग है सीबीआई जांच की मांग है। निर्दोष लोगों को छोड़ा जाए और न्याय मिले। हत्यारों जिसने भी हत्या की है उनको फांसी होना चाहिए, क्योंकि वो परिवार 3 साल से पीड़ित है। 3 साल से पुलिस प्रशासन में रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो वहाँ से भगा दिए जाते हैं। कोई पुलिस प्रशासन सुना नहीं। अगर ये सुनी जाती तो आज ये हत्या नहीं हुई होती। उनकी रिपोर्टें 3 साल से दर्ज है और लोग आ करके जो उन लोग बताए हैं आ करके घर में घुस करके मार पीट के चले जाते थे। जब ये थाने में जाते थे तो प्रशासन इनको डांट करके भगा देती थी, क्योंकि ये बहुत गरीब हैं, बहुत दलित समाज से हैं और गरीब हैं और हमें न्याय चाहिए। पुलिस ने खुलासे की बात किया है, एक को नहीं, जो जो आरोपी को ये कहना है वो बिल्कुल निर्दोष है। असली मुर्जिम अभी पकड़ा नहीं गया है। वो जिसको भी पकड़ के ले गए हैं वो बिल्कुल निर्दोष है। वो एक अकेला व्यक्ति। प्रशासन ने हमें सबूत भी कुछ नहीं दिया। ये बताइए क्या चाहती हैं आप? क्या हम लोग सीबीआई जांच चाहते हैं? हम लोग न्यायिक जांच चाहते हैं और सीबीआई की जांच हो। नहीं, जो मुलजिम है